लेकिन अजय आलोक जी, आपको हिसाब देना है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में भी जो उपचुनाव हो रहे हैं, यहां पर भी आपको हिसाब देना है। तो हिसाब देने के बजाय बटेंगे तो कटेंगे और धमकी भरे अंदाज में सामने आना कि हिंदुओं एक हो जाओ, अगर अलग हो जाओगे तो कटेंगे, इस तरह का वाला नारा आपको लग रहा है इसके जरिए वोट हासिल होगा? देखिए, यह बात चुनाव की नहीं है चित्रा जी, ये बात हिंदू के अस्तित्व की है। खासकर जब अस्तित्व देख रहे हैं हम कि बगल में खत्म हो रहा है, एक बगल में खत्म हो चुका है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में खात्मे की ओर बढ़ चुका है, और हिंदुस्तान के भी कई हिस्सों में जहां पे हम अल्पसंख्यक हैं, कई जिलों में लगभग 150 से 200 जिले हैं जहां हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं, हमारे अस्तित्व की बात है। अगर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नारा दिया जाता है कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, और बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे, तो कोई गलती नहीं है। जिंदा रहेंगे तभी राजनीति करेंगे, तभी सत्ता में आएंगे। कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा देना, ये जगह कोई जबरदस्ती काट दे तो यहाँ पर टीवी पर बैठ के आपके सामने बात करने नहीं आएंगे। और जिस तरह से निर्लज्जता के साथ 15 मिनट को डिफेंड करते हैं, तो आज बता देते हैं वो जमाना गया कि 15 मिनट में ये कर लेंगे अपनी बात कहने के लिए। फिर से कह रहा हूँ, 15 मिनट इनको लगते होंगे, इस दिन हम एक रहेंगे ना, हमें अपनी बात कहने में एक सेकेंड भी नहीं लगेगा। इसलिए ये पॉलिटिकल नारा नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का नारा है, ये अपने आप को आगे बढ़ाने का नारा है, और इसी नारे के साथ चलेंगे। और ये जो छद्म सेकुलर हिंदू जितने बैठे हुए हैं, मैं आपको आज बता रहा हूं, और ये लड़ाई जो हो रही है, ये शोएब जमाई और राजद और कांग्रेस इन सब की, ये भाईजान के लिए लड़ाई है, ये कोई हिंदुओं के लिए लड़ाई नहीं है कि भाईजान किसके पीछे रहेंगे, ये लड़ाई उसी की है। ये जितनी भीड़ देख रही है ना, ये देख के हमें टेंशन नहीं होती है, इस दे ये देख के पैल्पिटेशन रत्नाकर त्रिपाठी का बढ़ता है, आशुतोष वर्मा का बढ़ता है, क्या मुसलमान गया भाईजान गए, भाईजान को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, उसके लिए देश को मिट्टी में मिला देंगे, कुछ भी करेंगे। यही कारण है कि आज तक मुसलमानों का भला नहीं किया इन लोगों ने, बीजेपी को तो मुसलमानों का शोषण किया आलोक जी, इसी बात से तो महाविकास अघाड़ी में डर रहता है। और अब तो शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं मुस्लिमों का वोट हमारी तरफ है, कोई गलत फहमी में नहीं रहे, उससे तो बीजेपी का ही फायदा होता है ना जब मुस्लिम वोट बढ़ता है। तो मैं फिर कहता हूं कि हम लोग यहाँ पे बीजेपी का फायदा या हिंदू मुस्लिम के डिवीजन पे नहीं बैठे हुए। मैं आप कितनी बार मैं कह चुका हूं कि इस देश के 200 कठमुल्लों मुसलमानों को अलग कर दीजिए और उनसे नेतृत्व क्षमता मुसलमान बिरादरी हटा दे, इस देश के मुसलमानों को भला हो जाएगा, कि सबसे ज्यादा शोषण करने वाले वही है। ये वक्फ बोर्ड में बैठे हुए जितने लोग हैं, ये सब के सब महान फनकार के बैठे हुए हैं जो कि मुसलमानों का शोषण करने के लिए बैठे हुए हैं, और उनको सपोर्ट करने के लिए ये अलग अलग तरह से इकोसिस्टम आता है, कोई प्रवक्ता बन के, कोई राजनीतिक विश्लेषक बन के, कोई अलग अलग से। बीजेपी एक चश्मे से पूरे देश को देखती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसका सबूत है पिछले 10 साल में हमारे किए गए कार्य, गवाह है आप, उस जिले के गांव की गवाह है जहां पर सारे घर मुसलमानों के बने हुए थे और बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिला, रामपुर का वो गांव आप ही ने रिपोर्ट किया था वहां से। इसलिए हमारा नजर का चश्मा नहीं बदलता है, इनके देखने का नजरिया बदलता है, ये मुसलमान को अलग चश्मे से देखते हैं और हिंदू के लिए तो खैर अंधे हो जाते हैं। आशुतोष वर्मा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, शोएब जमे हाथ उठा रहे हैं, आशुतोष जी मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। मैं जवाब, हाँ बोलिए बोलिए शोएब जमे जी। जी हाँ बोलिए। मैं देखिए नजर का चश्मा तो बदलता है। अजय आलोक जी हमारे अच्छे मित्र रहे हैं बिहार में, राजनीति में बहुत उनका नाम है, उनके परिवार का नाम है, मैं सम्मान करता हूँ। चलिए एक बात थी, कोई बात हो गई, मुझे नहीं लगता कि वो बुरा मानेंगे, लेकिन बिहार में जिस पार्टी में वो थे उनके साथ भी हमारा अच्छा संबंध है, और बिहार के नीतीश जी के साथ मुसलमानों का बहुत अच्छा संबंध रहा है, और मैं भी यहाँ से कई प्रोग्राम्स में शामिल रहा हूँ। लेकिन अब मुझे अफसोस होता है कि उनका नज़रिया क्यों बदल गया, क्या बिहार के मुसलमानों ने नीतीश जी को समर्थन नहीं किया था? आज भी वो साथ हैं वहाँ पे बिहार में। आपने नज़रिया बदल लिया बंधु, हमने नज़रिया नहीं बदला है, हम तो शुरू से एक साथ लेके चल रहे हैं। और मोदी जी के भाईजान की बात नहीं होती क्या? फिर क्यों मोदी जी ट्रेन में और मेट्रो में तस्वीरें खिंचाते हैं टोपी वाले मुसलमानों के, वही जालीदार टोपी, आप वही यहाँ से शेख से मिल के तस्वीरें खिंचाते, ये हमारे भाईजान हैं। अरे अरब के शेखों को तो भाईजान कहते हैं और भारत के गरीब मुसलमानों को आप दुश्मन समझते हैं? तो इस पर जरा विचार कीजिएगा, नज़र का चश्मा आपका बदला है, हमारा नहीं बदला। हम आपसे भी आज ही इतनी भी मोहब्बत करते हैं जितना 2017 में और 18 में आपसे बिहार में हम मोहब्बत करते थे, आप बदल गए हैं, कम से कम अब तो मत बदलिए, साथ लेके चलिए, साथ लेके चलेंगे तो यहाँ से देश का भला होगा, बांटने की कोशिश करेंगे तो फिर यहाँ से बिगाड़ पाएगा। आशुतोष वर्मा जी, लेकिन आप लोगों को चिंता होती है क्या जब MIM की ओर से या उसके बड़े नेताओं की ओर से भड़काऊ बयान दिया जाता है और सामने जो भीड़ खड़ी होती है हजारों की तादाद में वो उत्साहित हो जाती है, तो आप लोगों को इस तरह के नारे परेशान करते हैं? क्योंकि जब ध्रुवीकरण वाली पॉलिटिक्स बीजेपी करती है जो आप ही लोग उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, और मुस्लिम वोट बढ़ता है तो उसका फायदा तो उसी पार्टी को होता है। आप लोग भी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, 9 सीटों पर उपचुनाव यूपी में है। आशुतोष जी,
देखिए चित्रा जी, मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम वोट ही समाजवादी को पार्टी को मिलता है। हमारे 37 सांसदों में 33 सांसद जो है वो हिंदू भी है, ये भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है। इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्योंकि हम समानता की बात करते हैं, हम समाजवाद की बात करते हैं। और ये जो लोग बांटने की बात करते हैं, जो चुनाव आते ही हिंदू खतरे में पड़ जाता है, अरे हम पूछते हैं कि 2000 अभी दो दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे थे कि इनकी पॉपुलेशन यहाँ से परगना में यहाँ से यहाँ हो गई है। तो सवाल तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी से पूछा जाए कि 2014 में आपकी सरकार है, 2024 चल रहा है, 10 साल में कौन काट रहा है और कौन बांट रहा है, कहाँ से घुसपैठिए चले आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे झारखंड में जहाँ पे आप प्रचार कर रहे हैं। 2014 में जब आपकी डबल इंजन की सरकार थी तो 2014 से 19 तक आपकी सरकार थी। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डराने का काम करती है, आपकी भैंस चुड़ा के लेके चले जाएंगे, आपकी बहू बेटियों को उठा के लेके चले जाएंगे, आपको घंटा नहीं बजाने देंगे, आपको आरती। अगर डर ना दिखाए भारतीय जनता पार्टी तो इनको एक वोट नहीं मिलेगा। ये जानते हैं कि इस देश की राजनीति में जब तक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी को एक वोट नहीं मिलने वाला, एक वोट नहीं मिलने वाला। ये एक बार बेरोजगारी लड़ाई और पे और मैं इस पे क्या कहते हैं महंगाई पे लड़ाई करके दिखाए। हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बहुत बड़ी छाती है, आप बात कीजिए ना, 2 करोड़ रोजगार की बात कीजिए, क्यों नहीं करते हैं? रोज क्यों बड़े बड़े चेक बांटते रहते हैं कि आज ये कर देंगे वो कर देंगे? आप क्यों नहीं पेट्रोल डीजल की बात करते हैं? अब तो उसकी बात ही नहीं करनी है। आप क्यों नहीं किसानों की आमदनी की बात करते हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतना निकृष्टम नारा को अपने साथ लेके आया है, मुझे बहुत दुख है कि भारत की राजनीति में एक बटेंगे कटेंगे जैसा इतना खटिया नारा उसको इन्होंने आप साथ किया है, इसका इनको बैकफायर मिलेगा। देश की जनता इस तरीके की निगेटिव पॉलिटिक्स के साथ नहीं चलती है। अजय आलोक जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास आऊंगे। 4 जून के बाद एक अद्भुत राजनीतिक हालत हो गए हैं देश में। 99 वाली पार्टी अपने आप को जीता हुआ समझती है, खुद अपने आप को तीसरा हुआ तीसरी नंबर की पार्टी भी अपने आप को पता नहीं कहाँ की समझती है। मैं सोचता हूँ कि हमेशा मुझे लगता है देख के कि ऊँट, बच्चा ऊँट जो होता है ना, जब जवान हो जाता है चलता है तो उसको लगता है कि सबसे बड़ा लंबा मैं ही हूँ, और जब वो पहाड़ के पास से गुजरता है तब भी अगर उसको लगे कि सबसे लंबा मैं ही हूँ तो इसका मतलब कुछ मानसिक अवस्था का दोष है या राहुल गांधी इफेक्ट कहिए जो भी है। इसी में रही आशुतोष जी, कोई दिक्कत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को एक वोट ना मिले। अपने वोट को भारतीय जनता पार्टी को वोट देखिए, 23 करोड़ वोट है, आप 2 करोड़ भी मिले आपको वोट, कहाँ से क्या बोलते रहते हैं? मैं तो कुछ भी, आप अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, अन्य सफाई की तरह नहीं है, लेकिन कुछ सोच समझ के बोला कीजिए ना। यहाँ पे हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, और मैंने पहले ही बोला छद्म सेकुलर हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तलवारें उठेंगी या काटने के लिए उठेंगी ना, ये 15 मिनट वाले लोग जितने हैं देश में, सबसे पहले आप ही कटेंगे, हम लोग नहीं कटेंगे। हम इसलिए एक करना चाहते हैं, एक रहिए, एक है तो सेफ है। ठीक है, रत्नाकर त्रिपाठी जी, यही वाला नारा लगाकर हरियाणा में भी उन्होंने माहौल बना दिया और अपने पक्ष में जीत कर ली, यही वाला नारा महाराष्ट्र में लग रहा है। फिर आप लोग कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, किसान का मुद्दा, पहलवान का मुद्दा, ये मुद्दा तो अभी था ना हरियाणा में भी, आपको लग रहा है कि बाजी पलट जाएगी महाराष्ट्र में, वहां पर कुछ कमाल हो जाएगा आप लोगों की पार्टी के लिए? चित्रा जी, आपसे अपेक्षित अनुमति लेकर के सबसे पहले मैं लोक गायिका शारदा सिन्हा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस देश को कठपुल्लों से नहीं, कटमहंतों से खतरा है। जो बंटवारे की बात करते, बंटवारा का नारा किसने सबसे पहले लाया पता है आपको चित्रा जी? बात राम की करते हैं, का आचरण रावण का करते हैं। दानवेंद्र मकराक्ष की हत्या के बाद रावण ने खड्ग उठाया और कहा, सुम्बादीपवासियों, अगर तुमको जीवित रहना है तो एक हो जाओ, मेरे साथ हो जाओ, जो मेरे साथ होगा वो बचा रहेगा, जो नहीं होगा वो काट दिया जाएगा। वयम रक्षामा, मैं रक्षा करूंगा। दुर्भाग्य देखिए, नौसेना का जो बोध वाक्य है वयम रक्षामा है, क्योंकि वो पूरे देश की सेनाओं की रक्षा करती है। और जो आपके भाजपा वालों का वयम रक्षामा क्या है, वो बंटवारा करती है, मेरे साथ हो जाओ नहीं कट जाओगे। कितने परसेंट वोट पाए आप आलोक जी? 43%, पिछली बार 36%, बाकी अगर 20% मुसलमान मान भी लेंगे आप तो 43 हिंदुओं का हम लोग भी पाए, जिनको आप कहते हैं अहंकार से भरा, अहंकार आपके अंदर है। भारत का बंटवारा आरएसएस ने किया था, आपके साथ नहीं है तो आप काटेंगे, आप ही रक्षा करेंगे। चले ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। तू डाल डाल मैं पात पास, इसी तर्ज पर
इस वक्त उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक की राजनीति आगे बढ़ रही है, लेकिन जो दावे या फिर नारे गढ़े जा रहे हैं उनमें से किसका दिखेगा दम, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।